हेलो दोस्तों, द स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लाए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नवोदय विद्यालय के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे विशाल मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों अंकुरवाट में, अंकुरवाट का जो मंदिर है वो सब विश्व का सबसे विशाल मंदिर है जो कि कम्बोडिया में है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दोस्तों जो विश्व का जो प्रथम विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि अपना एशिया में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत संविधान निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों जो संविधान का पहला निर्माण किया था सबसे पहले वो अमेरिका देश ने किया था। यदि पूछ दे कि दोहरी नागरिकता किस देश में है तो अमेरिका में है, भारत में एकल नागरिकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय झंडा है मतलब नेशनल फ्लैग सबसे पहले डेनमार्क ने अपनाया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा है? तो शिक्षा को जो अनिवार्य किया पहला देश प्रसा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गोभी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? दोस्तों गोभी मरुस्थल है वो मंगोलिया में स्थित है। सहारा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो उत्तरी अफ्रीका मतलब नॉर्थ अफ्रीका में है। ठीक, भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो जो सर्वोच्च सम्मान है भारत का वो भारत रत्न है। भारत रत्न 7 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो दोस्तों पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान है निशान ए पाकिस्तान है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पाकिस्तान अपना स्वतंत्र दिवस कब मनाता है? दोस्तों स्वतंत्र दिवस पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है, अब भारत 15 अगस्त को मनाता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अमेरिका का अपना स्वतंत्र दिवस कब मनाता है? तो जो अमेरिका है अपना स्वतंत्र दिवस 4 जुलाई को हर वर्ष मनाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बांग्लादेश अपना स्वतंत्र दिवस कब मनाता है? तो दोस्तों जो बांग्लादेश है 16 दिसंबर को अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस से लिया गया है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। वेद चार होते हैं, मालूम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? इसका मतलब ये हुआ कि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिया था श्रावती में दिया था। ठीक,